Assalamualaikum and welcome to our channel. मैं हूँ आपका host उमर और आप देख रहे हैं भी production and cars. आज हम आपके लिए Nissan Dayz का review लेकर आए हैं. तो review start करने से पहले आप सबसे request है कि अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया तो please subscribe करें और bell का icon को दबा दें ताकि हर नया आने वाली video आपको timely मिलती रहे. तो चलें चलते हैं review की तरफ. और अगर review सबसे पहले front से start करते हैं तो front की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको हाँ सॉरी पहले आपको ये भी बता दूँ कि इसमें आपको मतलब सेम मॉडल में दो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे. ये मित्सुबिशी ईके वैगन के नाम से भी आती है और निसान डेज़ के नाम से भी आती है. तो इसकी बैक जनरे जो पिछली जनरेशन है उसका भी रिव्यू आपके इंशाल्लाह जल्दी लेकर आएंगे. तो अगर बैक इसकी फ्रंट लैम्प की बात कर लीजिए तो कुछ ना कुछ रिसेंबल करती है, जो कल्टस आ रही है उसको रिसेंबल करती है. और इसमें आपको इसके हेडलैम्प भी कुछ इस तरह से मिल जाएगी. नीचे आपको फॉग लैम्प का ऑप्शन मिला हुआ है. बीच में आपको निसान की ब्रांडिंग मिल जाएगी. नीचे आपको ग्रिल दी गई हुई है. और जहाँ तक इसके साइड की बात कर लीजिए तो फेंडर में आपको इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलता जो कि आपको इसका मिरर्स में मिल जाएगा. और कुछ व्यू साइड लुक कुछ गाड़ी का इस तरह से है. और जहाँ तक बात कर ली हाँ ये मिरर्स में काफ़ी खूबसूरत लग रहे गाड़ी को एक ऑल टुगेदर काफ़ी अच्छी खूबसूरत लुक दे रहे हैं. जहाँ तक इसकी लैम्प्स का बात कर ली जाए तो लैम्प्स इसकी आपको थोड़ी बहुत एल शेप में मिल जाएंगी जो कि पूरा उसकी बैक इन्होंने कवर की हुई है. काफ़ी खूबसूरत लग रही है. अगर नीचे जाके देख लिया जाए तो नीचे आपको इसमें बम्पर में ही आपको इसके रिफ्लेक्टर नज़र आ जाएंगे. और ट्रंक में आपको इसका बैक व्यू कैमरा यहाँ से मिल जाएगा. यहाँ पे इसका ट्रंक ओपनर मिल जाएगा. बैक में अगेन वाइपर दिया गया हुआ है. तो जहाँ तक इसकी बात कर ली जाए तो ये गाड़ी जैसे कि आपको पता है कि जो जैपनीज गाड़ी होती है उनका एक कंसर्न होता है कि फ्यूल एवरेज आपको ज़्यादा अच्छी दें. तो ये कुछ उन गाड़ियों में आती है जो कि मार्केट की गाड़ी है जैसे कि टोयोटा रश सॉरी टोयोटा कह रहा हूँ मूव हो गई और इस तरह की गाड़ियाँ हैं ये उन कैटेगरी उसकी उनकी कैटेगरी में आती है. तो ये कर्व मैंने अभी देखे जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है. इसके फ्रंट फेंडर से स्टार्ट होकर बैक लाइट तक जा रहा है. काफ़ी खूबसूरत कर्व है. अगर रूफ की बात कर लीजिए तो रूफ इसका प्लेन है बाकी जैपनीज की गाड़ियों के नस्बत. और गाड़ी में कीलेस एंट्री है. अंदर बैठ के देखते हैं कि क्या सीन है. सबसे पहले बात करते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर की. ड्राइवर साइड डोर में आपको इसका जो ये इसका इंटीरियर आपको टू टोन मिल जाएगा. इसका स्पीकर की काफ़ी बड़ी सी इन्होंने दी हुई है जाली और लेकिन स्पीकर ये है लेकिन जाली दी हुई है काफ़ी खूबसूरत लग रही है. यहाँ पे देख लिया जाए तो कप होल्डर आपको एक कप होल्डर ही आप समझेंगे. यहाँ पे कप होल्डर की स्पेस है. यहाँ पे तो आप अपने कोई पेपर वगैरह ही रख सकते हैं. और इसमें आपको फैब्रिक भी दिया हुआ है. और यहाँ पे आपको ये पियानो ब्लैक में ये मिल जाएगा. इसका यहाँ पे एसी के कंट्रोल मिल जाएंगे. मिरर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे और मिरर लॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा. यहाँ पे आपको रिट्रैक्टेबल मिरर और मिरर कंट्रोल्स मिल जाएंगे. यहाँ पे आपको हेडलैम्प से इसकी एडजस्टमेंट मिल जाएगी. ट्रैक्शन कंट्रोल और इसमें वो आपको दिया हुआ है. यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो इसके कप होल्डर दिया हुआ है जो कि कुछ इस तरह से बाहर आते हैं. बाकी जापानीज गाड़ियों की तरह भी इसके भी एसी के वेंट राउंड में है. अगर स्पीडोमीटर की बात कर लीजिए तो गाड़ी में आपको जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है वो इसका इको मोड है. इको मोड जो कि इसकी फ्यूल एवरेज ज़्यादा अच्छी कर देगा. गाड़ी का जो इंटीरियर है वो काफ़ी खूबसूरत है. और इसमें आपको डिजिटल इसका क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है. पियानो ब्लैक में सारी इसकी फिनिशिंग हुई हुई है. और इसके जो यहाँ स्टेयरिंग है वो भी काफ़ी खूबसूरत है निसान की ब्रांडिंग. और यहाँ पे आपको इसके दो एयर बैग्स भी मिल जाएंगे. गाड़ी के जो इंटीरियर की बात कर लीजिए खूबसूरती की तो गाड़ी का इंटीरियर बहुत खूबसूरत है. काफ़ी प्यारा आपको इसका इंटीरियर मिल जाता है. यहाँ पर भी आपको एक एयरबैग मिल जाएगा. जो क्वालिटी की बात कर लीजिए इसके इंटीरियर की तो वो भी काफ़ी बेहतर है. यहाँ पे आपको हेजल लाइट्स का ऑप्शन दो एसी के वेंट्स मिल जाएंगे. और जहाँ तक इसके डैशबोर्ड की बात है आपको डुअल इसका वो सॉरी ग्लव बॉक्स दो मिल जाएंगे जो कि एक ऊपर एक नीचे. नीचे वाले की स्पेस भी ठीक है ऊपर वाले की भी ठीक है. बीच में भी आप अपने कोई पेपर वगैरह रख सकते हैं. जो सबसे इसकी प्यारी चीज़ लगी है मुझे वो ये लगी है कि इसका जो सेंटर वो है इसके कंट्रोल्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं. यहाँ पर आपको इसका जो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये इसके जेन्युइन लगा हुआ है. अगेन यहाँ पर आपको इसका गेयर लीवर मिल जाएगा. जहाँ तक इसकी सीट्स की बात कर लीजिए तो सोफ़ा सीट्स हैं जो कि तीन बंदे भी आराम से आगे बैठ सकते हैं. आराम से तो नहीं खाली थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा बट तीन बंदे आगे भी बैठ सकते हैं. और पीछे भी तकरीबन इसके मैं पीछे बैठ के आपको बता दूँ कि पीछे क्या सीटिंग पोजीशन है. जहाँ तक इसकी लेग स्पेस की बात कर लीजिए तो वो काफ़ी बेहतर है. और हेड स्पेस जैसे कि आपने हमारा पिछला रिव्यू देखा होगा स्पेसिया का उस तरह का ही है इसका. काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको वो मिल जाती है हेड रूम काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है. गाड़ी में यहाँ पर आपको वो भी मिल जाता है इंजन स्टार्ट का ऑप्शन पुश बटन. और जहाँ तक इसकी हेड स्पेस की बात है वो आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी. लेग स्पेस में भी आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी वगैरह नहीं होगी. तो बैक डोर में जब बैक स्पेस में जाकर देखते हैं कि कैसा कैसा सीन है.
हाँ जी, तो हम आ गए हैं बैक इसकी बैक सीट पे। तो बैक सीट में जो सबसे पहले बैठ के चीज़ नज़र आई है वो जो इसका फ्लोर बेड है, फ्लोर बेड इसका फ्लैट है, तो इसका मतलब है पीछे भी तीन बंदे आराम से बैठ सकते हैं और लॉन्ग जर्नी में भी इतना आपके लिए अनकम्फर्टेबल नहीं होगा। बैक जर्नी लॉन्ग जर्नी में भी आप इसको आराम से लेके जा सकते हैं, और अगर आप विद इन सिटी चलाना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा बंदे कैरी कर सकते हैं, मेरा ख्याल है मेरी तरह के तो इसमें छः बंदे बैठ सकते हैं आराम से। और जहाँ तक इसकी डोर बैक डोर की बात कर लीजिए, उसमें भी आपको पियानो ब्लैक इसका ये मिल जाएगा, कप होल्डर अगेन यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे भी आपने सिर्फ कप या बोतल वगैरह रख सकते हैं। और क्वालिटी बैग्स की बैक की बहुत प्यारी है, काफ़ी आपको एक सॉलिड फील आ जाती है। तो जहाँ तक इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह की बात है, तो स्पेयर पार्ट्स जैसा कि मैंने बताया ये मार्केट की गाड़ी है, इसके स्पेयर पार्ट्स का आपको मेल तो जाएंगे लेकिन एक्सपेंसिव होंगे, जो कि बाकी जापानीज की गाड़ियों के भी हैं बट इसके थोड़े एक्सपेंसिव होंगे। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।